खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई आज का जो हमारा हीरो है वो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कौन सा इंग्रेडिएंट है वो? है ये है? नहीं पहचाना आपने इसे? चलिए ये नहीं पहचाना तो ये तो पहचान लिया होगा। जी हाँ, चावल, तरह तरह के चावल, अलग अलग चावल यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ये जो एपिसोड है उसमें चावल ही चावल, अलग अलग रेसिपीज, सिंपल मुश्किल लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर। चलिए एक पहले जरा शुरुआत करते हैं स्प्रिंग अनियन से। चलिए इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी तो चाहिए हमें ये चावल का आटा। ये ले लिया चावल का आटा और इसमें मिक्स करेंगे बेसन और इसके साथ साथ इसमें नमक और हरी मिर्च, ये लीजिए, और क्या चाहिए, थोड़ी लाल मिर्च, वाह, और हींग, ये लीजिए, अदरक की पेस्ट। भाई वाह क्या बनेगा ये, देखते हैं क्या बनता है। सब चीजों को मिक्स कर लें, ये पानी इसके अंदर, उसके साथ साथ दही, फिटी हुई दही, दही इसके अंदर कर लिया मिक्स और अब ये स्प्रिंग अनियन इसके अंदर, उसके साथ साथ हरा धनिया इसमें, एक बार फिर इसे मिक्स कर लेते हैं। ये चीले बनाने के लिए बस एक तवा गरम करें और इसमें लगाएं थोड़ा सा तेल। बस ये जो मिक्सचर है इसे डाल देते हैं इसमें, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल किनारों पर और अभी तो मुझे इसे पलटना है। ये देखिए बस इसको पलट के थोड़ा सा दबाते रहें पकाते समय तो ये क्रिस्प करारा बनेगा। और कितने साइज का बनाना है ये आपके ऊपर है, बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, बेबी साइज में बना सकते हैं, जैसा तवा है, जैसी इच्छा है वैसे बनाएं, बड़े या छोटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वादिष्ट फिर भी रहेंगे। नोट करें इस चावल के चीले स्प्रिंग अनियन के साथ की रेसिपी और उसके बाद इसका एक रिकैप। चावल के साथ ढेर सारी रेसिपीज हैं, वो इतने सारे चावल हैं कुछ ना कुछ और बनेगा, टेस्टी डिलीशियस, अभी नोट करें। इन चीलों के लिए हमें चाहिए एक कप चावल का आटा, छह हरी प्याज बारीक कटी हुई, एक कप बेसन, नमक स्वाद अनुसार, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा कप दही, दो बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और पकाने के लिए थोड़ा तेल। इसे बनाने के लिए एक बोल में चावल का आटा, बेसन, नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप पानी, दही, हरी प्याज और कटा हुआ हरा धनिया, इन सब चीजों को लेकर इसे मिक्स करें और अब इसका बैटर तैयार करें। एक तवे को गरम करके उसके ऊपर तेल लगाएं और करछी की सहायता से बैटर को गरम तवे पर डालें, इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें और गर्मा गर्म सर्व करें।